अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ईयर हियर रहीम इमरा बतूल। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर का जो मेन मेन आर्किटेक्चर था वो पढ़ा था, यानी कि सीपीयू क्या है, उसके अलावा इसके अंदर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या है, उसके अलावा इनपुट आउटपुट यूनिट क्या है, मेन मेमोरी क्या है, बस इंटरकनेक्शन क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि आज हम आगे जो नेक्स्ट है मेन मेमोरी की जो डिटेल है वो पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है, रैम और रोम, उनका क्या वर्क है, आगे हम उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मेन मेमोरी, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, हाउ डेटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इज असेस्ड। मेन मेमोरी अब क्या है, हर कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हम जो भी डाटा सेव करते हैं वो जाके मेमोरी में सेव होगा। अगर हमारे पास मेन मेमोरी ही नहीं होगी तो हम अपना डाटा किस तरह सेव कर सकेंगे। उसके अलावा जो एडवांस कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर क्या है कि एक जो मेन मेमोरी है वो चिप की साइज में बन गई। अब चिप के ऊपर क्या है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो है बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में जो है इसके यूनिट्स में जो है वो डाटा जो है वो स्टोर होते हैं। तो आप इसकी डिटेल देखते हैं। मेन मेमोरी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये क्या कंप्यूटर सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा डेट आर बींग यूज। अब जो भी हमने डेटा को जो भी प्रोग्राम हमने यूज करना है जो कि जिसकी एग्जीक्यूशन करनी है, अब ये क्या करता है उसको स्टोर करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी कहलाता है। उसके अलावा कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी। अब वही बात आ गई कि एक कंप्यूटर है वो मेन मेमोरी के बगैर जो है वर्क नहीं करता, क्योंकि मेन मेमोरी में हम वो डाटा स्टोर करते हैं जो कि हमने यूज करना, वो प्रोग्राम या वो डाटा हम स्टोर करते हैं जो हमने यूज करना। जब हमारे पास मेन मेमोरी ही नहीं होगी तो हम अपना जो डाटा और प्रोग्राम है वो कहाँ पर स्टोर करवाएंगे। इसलिए जो मेन मेमोरी है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी। स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अब जो है जो एडवांस कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर्स आ गए उनके अंदर क्या है कि मेन मेमोरी जो है वो एक चिप की फॉर्म में बनती है। अब इसके अंदर जो है थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो कि बिट्स और बाइट्स को जो है वो सेव करते हैं। उसके अलावा जो 8 बिट्स जो है वो कम्बाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं, बाइट बनाते हैं, और वो जो बाइट है उन सबकी जो है मेमोरी के अंदर एक अलग अलग जो है लोकेशन है जहाँ पे वो अपना डाटा को जो है वो सेव करते हैं। मेन मेमोरी इज द मॉडर्न कंप्यूटर, इन द मॉडर्न कंप्यूटर इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप। अब ये क्या है, चिप की फॉर्म में जो है ये मॉडर्न कंप्यूटर्स में बनता है। द चिप इज मेड ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ बनता है। द चिप कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स। अब जो हमारी जो चिप है जो कि यानी कि बेसिकली मेन मेमोरी है वो क्या है, मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स के साथ जो है वो बनता है। और जो अब ये सेल क्या है, ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट। अब क्या है कि जितने भी सेल्स होंगे, जितने भी मिलियंस या फिर ट्रिलियन सेल्स होंगे, वो क्या करेंगे कि एक बिट को अपने अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। बिट बाइट्स इन सब का जो है आप सबको पता है, ये सब मैं क्लास में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं दी सेल इन मेन मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज एज ग्रुप ऑफ 8 बिट। अब क्या है, जो हमारे सेल में है, जो मेन मेमोरी में हमारा सेल है वो क्या है, 8 बिट के साथ जो है वो उसका एक ग्रुप सा बनता है जो कि एक लॉजिकली डिजाइन के साथ ऑर्गेनाइज किया होता है। वन ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज बाइट। अब वह जो 8 बिट का एक ग्रुप बनता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ईच बाइट इन द मेमोरी इज असाइन अ यूनिक नंबर। अब क्या है, जितने भी बाइट्स हैं मेमोरी के अंदर उन्हें क्या करते हैं कि एक यूनिक नंबर जो है वो सबको जो है वो असाइन कर देते हैं, ताकि वो हमें आसानी रहे जब हमें वो जैसे ही हम वो अपने एड्रेस बताएं, वो नंबर बताएं, हम जो है वहां तक हमारा डाटा जो है वो हमें मिल जाए वहां से इजीली। द नंबर इज नाउन एज एड्रेस ऑफ द बाइट्स। अब ये क्या, वो जो नंबर हम उसको असाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एड्रेस ऑफ द बाइट्स। नेक्स्ट है हमारा असेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी, यानी कि अब डाटा में अगर हमने कोई डाटा रख दिया, अब हमने मेन मेमोरी में, अब हमने उसे असेस करना है तो हम कैसे करेंगे। मेन मेमोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अब क्या है, मेन मेमोरी में क्या है, बाइट्स के क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स क्या है, वो है मेन मेमोरी। सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स कैन असेस एनी बाइट ऑफ मेन मेमोरी बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। अब क्या है, सीपीयू और इसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं ना वो क्या करते हैं कि किसी भी बाइट को जो है वो असेस कर लेते हैं। किस तरह असेस करते हैं, जैसे ही उन्हें किसी भी जो मेमोरी का है
उसका एड्रेस मिलता है, उसका एड्रेस स्पेसिफाई होता है, वो क्या होते हैं उसको, वो डाटा को फिर असेस कर लेते हैं उस एड्रेस के ऊपर जो डाटा होता है. डिफरेंट बाइट्स कैन बी असेस रैंडमली, डिफरेंट बाइट्स जो है वो रैंडमली भी असेस हो सकते हैं. द मेमरी इज बिल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट असेसिंग एनी पार्ट ऑफ मेमरी टेकन इक्वल टाइम. अब क्या है कि जितने भी मेमोरी है ना वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की मदद से क्या होती है, बिल्ट हुई होती है. और उसके अलावा क्या है, असेसिंग एनी पार्ट ऑफ मेमोरी टेक्स इक्वल टाइम. अब हमने किसी भी पार्ट को जो है मेमोरी के किसी भी पार्ट को असेस करना है तो वो क्या करता है, एक ही जितना टाइम लेता है. ये नहीं कि अगर हमने एक पार्ट को हमने असेस करने के लिए 1 सेकंड लगाया तो दूसरे के लिए हमें 2 सेकंड लगेंगे, ऐसा नहीं है. जितना फर्स्ट को टाइम लगेगा उतना ही सेकेंड को लगेगा. नो मैकेनिकल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन डेटा इज असेस्ड फ्रॉम मेन मेमोरी. जब हमने असेस डाटा को जो है मेन मेमोरी से असेस करना है तो उसके लिए हमें किसी भी मैकेनिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज व्हाई द मेन मेमोरी इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेज सच एज मैग्नेटिक डिस्क ETC. देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी नोन एज रैम एंड रोम. अब क्या है, क्योंकि हमें जो है वो मैकेनिकल मूवमेंट की किसी भी किस्म की रिक्वायर नहीं होगी तो क्या, इसकी जो मेन मेमोरी है ना ये बहुत फास्ट होती है बाकी स्टोरेज डिवाइसेस के मुताबिक. जैसे कि हमारे पास डिस्क है उसकी भी जो है वो स्टोर करने की जो पावर है वो इतनी फास्ट नहीं होती जितनी ये मेन मेमोरी की होती है. इसकी नेक्स्ट आगे टू टाइप है रैम एंड रोम. रैम में क्या होता है, हम जो है टेम्परेरी डाटा जो हमने एग्जीक्यूट करना होता है वो हम स्टोर करते हैं. और रोम में क्या होता है, परमानेंट डाटा जो हमने स्टोर करना होता है वो हम स्टोर करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं रैम. रैम को हम सबको पता है क्या है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम असेस मेमोरी. इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट असेस मेमोरी. रैंडम असेस मीन्स डेट ईच इंडिविजुअल बाइट्स इन एंटायर मेमोरी कैन बी असेस डायरेक्टली. अब रैंडम असेस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने भी इंडिविजुअल बाइट्स हैं हमारी मेमोरी के अंदर जितने भी है उसको हम जो है डायरेक्टली असेस कर लेते हैं. कि अगर हमने जो भी हमने मेमोरी में से जितना भी हमने डाटा लेना है या जितना भी हमने प्रोग्राम लेना है उसको हम जो है डायरेक्टली जो है वो असेस कर लेते हैं. रैम इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली. अब ये क्या, डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए टेम्परेरीली अगर हमने कोई करनी है स्टोर तो उसके लिए यूज होता है. रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी. इट मीन्स डेट इट्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड. यानी कि क्या, अब ये क्या, रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है कि इसके अंदर जितना भी डाटा होगा जो कुछ भी होगा वो जो है खत्म हो जाएगा जब हमारा जो डाटा है, जब हमारी जो पावर है यानी कि जो हमारा CPU है जब टर्न ऑफ हो जाएगा. यानी कि जब हम अपना कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो इसके अंदर जितनी भी मेमोरी स्टोर होगी, जितना भी डाटा या प्रोग्राम स्टोर होगी वो सारे खत्म हो जाएंगे. रैम इज अ रीड राइट मेमोरी. CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू दी रैम. अब ये रैम क्या है, रीड और राइट मेमोरी है. हम इसके अंदर जो डाटा है वो रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. अब ये क्यों यूज होता है, जब हमने डाटा को जो इंस्ट्रक्शन को जब हमने एग्जीक्यूट करना होता है तो उस टाइम हम रैम यूज करते हैं. रैम इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज. इसको हम जो मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, उसके अलावा प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं. रैम इज बिल्ट बाय यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स. इसके लिए हम टू डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज DRAM एंड सेकेंड वन इज SRAM. DRAM का मतलब है कि डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी. DRAM स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी. इट इज यूज टू रिमेमोरी. इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी डेट इज यूज इन मोस्ट कंप्यूटर. इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ RAM. अब ये क्या, DRAM स्टैंड फॉर अ डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी. ये जो है ज्यादातर जो कंप्यूटर आजकल यूज हो रहे हैं उनमें यूज होती है. उसके अलावा ये जो है ये लेस एक्सपेंसिव होती है. DRAM requires an electrical current to maintain its electrical state. अब DRAM क्या require करता है, electrical current जो है वो उसकी उसे नीड होती है ताकि वो अपनी जो electrical state है उसको जो है वो maintain कर सके. Electrical charge of DRAM decrease with time that may result in loss of data. अब क्या है, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है उसका वो जो है टाइम के साथ साथ क्या होता है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे डाटा की जो मेमोरी होती है वो जो होती है वो लॉस होती है. DRAM इज रिचार्ज और रिफ्रेश अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा. द प्रोसेसर कैन नॉट असेस द डाटा ऑफ DRAM व्हेन इट इज बीन रिफ्रेश. दैट इज व्हाई इट इज स्लो. इसका जो वर्क होता है वो बहुत स्लो होता है.
उसके अलावा जो है इसका जो प्रोसेसर है उसके अंदर जितना भी डाटा पड़ा होता है उसको हम जब वो असेस नहीं कर सकते जब वो हम रिफ्रेश करते हैं। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एसेस मेमोरी। अब एस रैम से मुराद है स्टैटिक रैंडम एसेस मेमोरी। इट कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। अब ये क्या है, किसी भी हम इसके लिए इसके अंदर हमें डाटा को स्टोर करने के लिए चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट टू असेस डाटा फ्रॉम एस रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के दरमियान जो है सीपीयू को क्या होता है, वेट नहीं करना पड़ता एस रैम से जो है डाटा लेने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। डेट इज वाई इट इज फास्टर देन डी रैम। इसकी वजह से क्या है कि ये डी रैम से फास्टर है। इट यूटिलाइज लेस पावर देन डी रैम। एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव। इट इज नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमरी नोन एज कैश मेमरी। अब ये ज्यादातर जो है बहुत ज्यादा फास्ट मेमरी को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, जैसे कि कैश मेमरी है उसके लिए जो हम एस रैम यूज करते हैं। उसके अलावा ये जो है डी रैम से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोम। अब रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके अंदर क्या है, हमारा जो डाटा होता है वो परमानेंट होता है। लेकिन क्या होगा कि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी डाटा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसे सिर्फ रीड कर सकेंगे। उसके अंदर कोई भी हम चेंजेस वगैरह हमारे डाटा के अंदर कुछ भी नहीं हम चेंज कर सकते। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। दीज इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। अब क्या है, इसके अंदर जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो क्या करती हैं, कंप्यूटर को यूज करने के लिए जो है वो प्रिपेयर करती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी हमारा डाटा होगी, जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ रीड हो सकेगी। हम उसको जो है किसी भी किस्म का चेंज या फिर डिलीट वगैरह नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन टू दी रोम। अब इसके अंदर जो है न्यू इंस्ट्रक्शन या फिर इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाटा हमने एड करना है तो हम रोम के अंदर नहीं कर सकेंगे। डेट इज वाई इट इज नाउन एज रीड ओनली मेमरी। इस वजह से क्या होता है, ये रीड ओनली मेमरी है क्योंकि हम इसके अंदर हम कोई भी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते, ना हम इसके अंदर एड कर सकते ना हम डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर अब हमने जो हमने डाटा जो इंस्ट्रक्शन हमारी सेव है उनको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंट। अब ये क्या करता है कि डाटा और जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको परमानेंट स्टोर करते हैं। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, जब इसकी पावर जो है वो ऑफ हो जाती है, द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम आर नॉट लॉस्ट। अब क्या है, जब हमारा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप वगैरह जब हम उसको बंद कर देते हैं तो क्या होती है, उसकी पावर ऑफ हो जाती है, तो वो क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो लॉस नहीं होता, यानी कि वो उसके अंदर ही सेव रहता है। डेट इज वाई रोम इज नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमरी। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमरी भी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन इन रोम इज स्टोर बाय द मैन्युफैक्चरर। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, द इंस्ट्रक्शन इन रोम आर ऑटोमेटिकली लोडेड इन टू द मेमरी ऑफ कंप्यूटर। अब ये क्या, इंस्ट्रक्शन जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे रोम के अंदर स्टोर है वो मैन्युफैक्चरर ने पहले स्टोर की होती है, और जैसे ही हम अपना कंप्यूटर जो है वो ऑन करते हैं तो क्या होता है, हमारी इंस्ट्रक्शन जितनी भी रोम के अंदर सेव हुई होती है वो ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर की मेमरी के अंदर लोड हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो है आगे थ्री टाइप्स हैं, पी रोम है, ई पी रोम है और ई ई पी रोम है। पी रोम पहले हम देखते हैं, पी रोम से मुराद है पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। अब क्या होती है, ये वाली जो फॉर्म होती है रोम की, ये इनिशियली जो होती है वो ब्लैंक ही होती है। द यूजर एंड मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम ऑन इट्स यूजिंग स्पेशल डिवाइस। अब क्या है कि यूजर और मैन्युफैक्चरर जो है ना, इसके अंदर जो है वो डाटा और प्रोग्राम जो कुछ भी होता है उसको स्पेशल डिवाइस यूज करते हुए क्या करते हैं, प्रोग्राम्स और डाटा को राइट करते हैं। द यूजर कैन राइट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली वंस। अब क्या है, जो भी यूजर या मैन्युफैक्चरर है वो इसके अंदर जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन होती है ना वो एक दफा ही राइट कर सकते हैं। इफ देर इज एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, द एरर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम पीरोम, द चिप बिकम अनयूजेबल। अब क्या होती है, इसके अंदर जो पी रोम की चिप होती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, हमारे सिस्टम्स के अंदर, अगर उसके वो अब जब स्टोर होगी उसके अंदर हमने कोई डाटा लिख दिया और अगर हमने गलती से कोई गलत डाटा रख दिया तो फिर क्या होगा कि वो चेंज नहीं हो सकेगा। उल्टा हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो चिप होगी वो हमारी जो है अनयूजेबल हो जाएगी, यानी कि उसका कोई यूज नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइप है ईपी रोम।
EPROM stands for Erasable Programmable Read Only Memory. This form of ROM is initially blank. अब ये क्या होती है, initially ये भी blank होती है. The user or manufacturer can write data and program on its using special device. अब क्या है कि user या फिर जो manufacturer है वो क्या करता है कि एक special device को use करते हुए क्या करता है, इसके अंदर programs और data वगैरह को store करते हैं. The data and program written on it can be erased with special device using ultraviolet rays. अब क्या अगर इसके अंदर हमारा कोई एरर वगैरह या कोई डाटा हमने गलत सेव कर दिया तो क्या है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है एक स्पेशल टाइप्स की, उसको यूज करते हुए यूजर या जो मैन्युफैक्चरर है उसको रेज करते हैं. द यूजर देन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट्स. और जब वो यूज करते हैं तो वो फिर हमारा जो एरर वाला डाटा होता है वो क्या होता है, वो रेज हो जाता है. उसको रेज होने की वजह से क्या होता है कि यूजर जो है वो न्यू प्रोग्राम उसके ऊपर राइट कर देते हैं. नेक्स्ट हमारा टाइप है EEPROM, stands for electronically erasable programmable read only memory. In this memory user can erase and write instruction with the help of electrical pulses. अब इसके अंदर क्या है कि जो यूजर या फिर मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते हैं, erase भी कर सकते हैं डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, और उसको राइट भी कर सकते हैं एक स्पेशल टाइप की जो है इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती है उसकी मदद से. इफ देयर इज एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शन द यूजर कैन erase द कंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली. अब इसके अंदर भी अगर कोई हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई एरर या फिर कोई मिस्टेक आ गई तो वो क्या होता है, जो यूजर होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंटेंट होता है उसको यूज करके क्या करता है, उसको अरेज कर सकते हैं. द कंटेंट ऑफ EEPROM कैन बी मॉडिफाइड इजिली. अब इसका जो भी कंटेंट होता है वो इजिली उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. आगे लिस्ट ऑफ सम डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM. अब इसका हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं. SRAM इट इज फास्टर देन DRAM, ये DRAM से फास्टर है. एंड जो DRAM है इट इज स्लोअर देन SRAM, जो DRAM है वो SRAM से स्लोअर है. अब जो आगे नेक्स्ट SRAM है ये जो है मोर एक्सपेंसिव है और जो DRAM है इट इज लेस एक्सपेंसिव. और SRAM के इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड. SRAM को हमें जो है वो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो DRAM है इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड. SRAM के यूटिलाइज लेस पावर और DRAM के यूटिलाइज मोर पावर. SRAM के इट होल्ड डाटा इनडेफिनेटली एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज टर्नड ऑन. यानी कि जब तक कंप्यूटर ऑन है हमारा जो डाटा है वो लामहदूद हम जो है उसको स्टोर कर सकते हैं. और जबकि DRAM के इट होल्ड डाटा डायनेमिकली नॉट इनडेफिनेटली. अब जो DRAM है उसके अंदर जो हम डाटा है उसे डायनेमिकली स्टोर कर सकते हैं, इनडेफिनेटली जो है वो स्टोर नहीं कर सकते. इट इज मोर कम्प्लेक्स एंड लेस कॉम्पैक्ट. अब जो SRAM है वो जो है मोर कम्प्लेक्स होती है और कॉम्पैक्ट जो है वो लेस होती है, जबकि DRAM जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है और मोर कॉम्पैक्ट होती है. नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक उसमें है डिफरेंस बिटवीन RAM एंड ROM. RAM इज टेम्परेरी मेमरी एंड ROM इज परमानेंट मेमरी. द डाटा इन RAM कैन बी चेंज और डिलीटेड. इसके अंदर जो भी हमारा डाटा उसको हम चेंज और डिलीट कर सकते हैं. द इंस्ट्रक्शन रिटन इन ROM कैन नॉट बी चेंज और डिलीट. अब ROM के अंदर जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा लिखी है उसको हम डिलीट या फिर चेंज नहीं कर सकते. इंस्ट्रक्शन इन RAM चेंज कंटिन्यूसली एज डिफरेंट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एंड न्यू डाटा इज प्रोसेस. जो भी रैम के अंदर इंस्ट्रक्शन होती है उनको हम कंटिन्यूसली जो है वो चेंज कर सकते हैं. जैसे ही हमारा जो डिफरेंट प्रोग्राम या फिर हमने जो कोई न्यू डाटा को जो अगर हमने प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी कंटिन्यूसली जो है हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. अब ROM के अंदर क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन ROM. अब ROM के अंदर जो हम न्यू इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम वगैरह जो है वो राइट नहीं कर सकते. RAM इज अ वोलेटाइल मेमरी. RAM जो वोलेटाइल मेमरी है, ROM इज नॉन वोलेटाइल मेमरी. द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन टू द RAM एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. अब जो RAM के अंदर एग्जीक्यूशन के वक्त जो हमारी इंस्ट्रक्शंस राइट की जाएगी, द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन टू ROM एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम. और ROM के अंदर जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है उस टाइम जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक लिस्ट आउट सम डिफरेंस बिटवीन PROM एंड EROM. PROM इट इज प्रोग्रामेबल मेमरी.
ये जो है प्रोग्रामेबल मेमोरी और ये चीज इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ये जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी यानी कि इसके अंदर जो है हम एक स्पेशल टाइप की वो जो रेज है उनको हम यूज करके जो है अरेज कर सकते हैं प्रोग्राम को। द यूजर कैन राइट इंस्ट्रक्शन ऑन पी रोम ओनली वंस, द यूजर कैन राइट इंस्ट्रक्शन ऑन ई रोम मेनी टाइम्स। इसके अंदर जो है हम एक दफा जो है इंस्ट्रक्शन को राइट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो है बार बार इंस्ट्रक्शन को राइट कर सकते हैं। The instruction written by the user cannot be erased from PROM. इसके अंदर जो भी instruction ये एक दफा लिखती है वो PROM की memory से हम erase नहीं कर सकते। The instruction written by the user can be erased from EPROM. EPROM से जो है इसके अंदर जो हम instructions है उसको जो है erase कर सकते हैं। If there is an error while writing on PROM, it become unusable. यानी कि अगर लिखते वक्त हमारे पास कोई problem आ गई है तो फिर क्या हो गई, वो हमारी जो चिप होगी वो अनयूजेबल होगी। इफ देयर इज एरर बाय राइटिंग ऑन EPROM, इट कैन स्टिल बी यूज अगेन। अगर इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गया, तो हम उसको रिमूव करके दोबारा से उसे यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स लेस यूजेबिलिटी एज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ओनली वंस। ये लेस यूजेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो भी डाटा एक दफा लिखा जाता है। और EPROM में क्या, इट प्रोवाइड्स मोर यूजेबिलिटी एज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन मेनी टाइम्स। इसके अंदर क्या, ये इसकी जो यूजेबिलिटी है वो ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है उनको हम काफी दफा जो है वो लिख सकते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।